ये देखिए दोस्तों, मिनटों में बनकर तैयार है मसाला भिंडी फ्राई। मसाला भिंडी फ्राई खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। आप भी इसे अपने घर में आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं और ये घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। मसाला भिंडी फ्राई आप कभी भी पूड़ी, पराठा, चपाती किसी के भी साथ खाएंगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए जल्दी से फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मसाला भिंडी फ्राई बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 400 ग्राम भिंडी और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। भिंडी को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ मैंने 4 भिंडी को एक साथ कट कर लिया है। इस तरह भिंडी कट करने से आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह सभी भिंडी को छोटे छोटे पीस में कट करके अलग अलग कर लेंगे। यहाँ मैंने सभी भिंडी को कट कर लिया है। अब हम बड़े बड़े टुकड़ों में प्याज भी काट लेंगे। इस तरह मसाला भिंडी फ्राई में बड़े बड़े टुकड़ों में प्याज कट कर ऐड करने से मसाला भिंडी फ्राई का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, यहाँ मैंने सभी प्याज को काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों तेल के अलावा आप चाहे तो अपने पसंद का कोई और भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल में 1/2 चम्मच या 1/2 चम्मच सरसों के दाने ऐड करेंगे और सरसों के दाने को क्रैक होने देंगे। 2 सूखी लाल मिर्च को इस तरह तोड़ करके तेल में ऐड करेंगे। कढ़ाई में कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज ऐड कर गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम प्याज को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को मिलाते हुए भून लेंगे ताकि प्याज हमारा जले ना। प्याज भून गया है। इस टाइम पे हम इसमें कटा हुआ भिंडी ऐड करेंगे। इसी तरह सभी भिंडी को कढ़ाई में डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद भिंडी को भी हाई फ्लेम पे भिंडी को मिलाते हुए 5 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का जूस ऐड करेंगे। नींबू के रस को भिंडी में भूनते हुए मिला लेंगे। इस तरह नींबू के रस भिंडी में ऐड करने से भिंडी का लसलसापन या चिपचिपापन ख़त्म हो जाता है और भिंडी हमारा खिला खिला बनता है। भिंडी में स्वाद अनुसार या 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भिंडी में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। भिंडी को मसालों के साथ हाई फ्लेम पे मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। पाँच मिनट हो गया है, हम भिंडी को चेक कर लेंगे। ये देखिए, भिंडी हमारा बन के तैयार हो गया है। इसे एक बार मिला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम मसाला भिंडी फ्राई को प्लेट में सर्व कर लेंगे। कम समय में इसी तरह आप भी अपने घर में मसाला भिंडी फ्राई बनाएं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें।